गाइस वेलकम बैक टू द क्रेजिनेल ब्लॉग्स एंड गाइस आई होप हम लोगों की तरह आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। एंड यार आपका लॉकडाउन कैसा निकला प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर 2 मंथ्स इट्स माई फर्स्ट आउटसाइड वीडियो शूट। तो चलिए बिल्कुल देर ना करते हुए मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि आज का जो मेरा ब्लॉग शूट है वो कहाँ पर है। देखिए मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो शूट करी थी फेमस सुरेश डोसा, अलीगढ़ का सबसे फेमस डोसा यहीं का है। और आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि मैम प्लीज़ इनके कचौड़ी का भी व्लॉग शूट कीजिए। तो यार देखिए व्लॉग थोड़ा लेट हो गया है बट आई एम हेयर टुडे। तो आप देखिए हम सुरेश कचौड़ी सेंटर पे आ चुके हैं। प्रिपरेशन कैसी होती है मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप एक बार लोकेशन देख लीजिए, रेलवे रोड पर मैं खड़ी हुई हूँ। ये ब्यूटी पैलेस है, इसके जस्ट सामने इनका स्टॉल लगता है। तो चलिए क्रेजिनेल फैमिली अब मैं आपको इनकी प्रिपरेशन दिखाती हूँ। देखिए कचौड़ी कैसे तैयार की जाती है, यहाँ पे आप देखिए बेसिक सब्जी जो हमें सर्व की जाती है अलीगढ़ की कचौड़ियों के साथ। देखिए ये वो वाली सब्जी है और कितनी ही टेम्पटिंग लग रही है यार देखने में। क्या आप लोग कचौड़ी मिस कर रहे हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए जो कचौड़ी के प्राइस है आपको 30 रुपये की 2 कचौड़ी सर्व की जाएंगे, उसके साथ आपको 2 सब्जियाँ मैंने आपको दिखा ही दी है विद रायता सर्व किया जाएगा। आप ओरिजिनल फैमिली मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। देखिए ड्यूरिंग लॉकडाउन जो अभी सिचुएशन चल रही है सुरेश कचौड़ी सेंटर की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से दोपहर को 3 बजे तक। और अभी देखिए अर्ली मॉर्निंग 9 बज रहे हैं, 9 बजे ही इतना रश लग जाता है यहाँ पे। अलीगढ़ में ये कचौड़ी फेमस क्यों है मैं आपको खुद टेस्ट करके बताऊंगी। तो क्रेजिनेल फैमिली देखिए सर्व मुझे कर दी गई है, कचौड़ी किस तरीके से सर्व की गई है यहाँ पे आप लोग देखिए। सुरेश कचौड़ी सेंटर की फेमस कचौड़ी, इसी के साथ हमें ये सब्जी सर्व की गई है यहाँ की। एक बार आप क्लोजअप में देख लीजिए, देखिए सब्जी आप, और यार देख के ही लग रहा है मसाले बहुत ही बैलेंस है इसमें, मतलब एकदम तेज मसाले वाली नहीं है। और इधर हमें दूसरी टाइप की सब्जी सर्व की गई है, ये देखिए इसमें देखिए छोले वगैरह सब कुछ है। एक बार क्लोजअप में आप लोग देखिए, देखिए और ये वाली सब्जी में आई थिंक खड़े मसाले यूज़ किए गए हैं। ये वो सब्जी है जो हमें खस्ते के साथ सर्व की जाती है। और इधर इनका फेमस रायता है, एक बार आप रायता भी चेक करिए यार, देखने में तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। चलिए बिल्कुल देर ना करते हुए मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको। पहले हम कचौड़ी की क्रंचीनेस चेक करेंगे, तो देखिए गाइस आप क्रंचीनेस चेक करिएगा। आई होप आपको आवाज़ आ ही गई होगी, अलीगढ़ की कचौड़ी में यार क्रंचीनेस जब तक नहीं होती वो कचौड़ी सच में फुलफिल नहीं मानी जाती है। तो चलिए अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। सबसे पहला बाइट मेरे सारे सब्सक्राइबर और क्रेजी नेल फैमिली के लिए। चलिए गाइस अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ क्या जितना तारीफ सुनी है क्या एग्जिस्ट करती है सुरेश कचौड़ी सेंटर की ये कचौड़ी। रियली यार कचौड़ी एकदम क्रंची है, एंड तक आपको च्यू करेंगे ना तो आपको क्रंचीनेस फील होगी। और सब्जी जैसा कि मैंने कहा था बिल्कुल बैलेंस है, मसाले इतने तेज नहीं हैं। और अब एक बाइट में आपको ये रेगुलर वाली सब्जी के साथ और टेस्ट करके बता दी हूँ। चलिए सेकंड बाइट हमारी ये जो गीली वाली सब्जी है इसके साथ, और देखिए इसमें छोले वगैरह सब कुछ है। चलिए टेस्ट करते हैं, वाओ यार अमेजिंग। मैंने बोला था ना इसमें खड़े मसाले यूज़ किए गए हैं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी है ये, पर ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, इससे लिटिल बिट स्पाइसी है ये। अब हम इनका ये फेमस रायता टेस्ट करते हैं। अमेजिंग यार, जैसा कि मैंने आई थिंक प्रेमी पराठा वाले में बोला था ना, एकदम यार जो एकदम रिफ्रेशिंग टाइप रायता होता है ना, लोग बोलते हैं सन्नाटा, तो यार पीते ही मतलब आदमी रिफ्रेश हो जाएगा इसे। सीरियसली अगर मैं इन कचौड़ियों को रेटिंग दूँ 10 में से
आई थिंक 10 में से 11 ये डिजर्व करती हैं क्योंकि हर चीज़ इनकी प्रॉपर बैलेंस है। और चलिए इसी के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा यार, 2 महीने बाद घर से निकल के मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। और हाँ, मतलब इतना भी यहाँ पे सब लोग प्रिकॉशन यूज़ कर रहे हैं। और आपका लॉकडाउन कैसा गुजरा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं किसी ऐसी ही अगली वीडियो में। टिल देन देखते ही रहिए क्रेज़ी नेल व्लॉग्स एंड में वही हमारी टेकलाइन, सलामत रहे सारी यारियाँ, बाय।